You didn't sleep well? या कल रात में नींद नहीं आई ढंग से। सो आज का क्या प्लान है? ऑफिस से ऑफ लिया है, सोच रही हूँ घर में टाइम स्पेंड करूँ। सो यू वांट टू ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी और मे बी गो फॉर द वॉक ऑन द बीच? मे बी लेटर साउंड्स गुड। नाइस। हाउ अबाउट वी मीट एट 9 or 10 इन द मॉर्निंग? ओके कूल कूल ग्रेट। आज ही यू नो एक्चुअली आई वाजंट एक्सपेक्टिंग कि तुम इतनी सुबह रिप्लाई करोगे। हाँ, आज थोड़ा जल्दी थी। पहले मैं सोच रहा था कि तुम्हें शाम को कॉफी डेट होती, फिर लगा कि कॉफी डेट पे तो हर कोई जाता है, इसलिए तुम्हें इसको कॉल। अच्छा, तुम चलते चलते और मैं बोलते बोलते थक गया होऊंगा तो वहां चल के बैठे क्या? You know, beach therapy is the best. मैं कभी भी stressed होता हूँ, depressed होता हूँ ना, तो हमेशा beach पे आ जाता हूँ। नंगे पैर रेत पे चल के और घंटों से समंदर की ओर देखकर एकदम रिलैक्स फील होता है। और तो और नींद भी अच्छी आती है। ऐसा कुछ नहीं था, बस कल थोड़ा सा बैक पेन था तो मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाई। बैक पेन क्या हुआ? मैं मसाज करूँ क्या? तो मसाज थेरेपी भी करते हो क्या? नहीं नहीं, तो बस ऐसे ही दे दूंगा। कोकोनट्स ना, मैं भी कब से सोच रहा था कि कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। कोकोनट ही है क्या? भैया जी, दो नारियल देना मलाई मार के। You know what? I have a feeling it's going to be a good day. चलो चलते। क्या हुआ? अच्छा नहीं है कोकोनट? बोलो भैया। No, I need to go to loo. प्रीति, आर यू ओके ना? या आई एम ओके। नारियल पानी नहीं अच्छा लगा क्या? आदित्य प्लीज। अच्छा था। तो फिर कहाँ चले? घर चले, और कहाँ? घर ठीक है, घर चलते हैं। यार ये एसी इतना धीरे क्यों रख रखा है? तेज करो ना इसको। तेज करता हूँ। और तेज। अब ठीक है? बेटर। यार ये मुंबई का ट्रैफिक ना कितना घटिया है, जहां देखो वहां ट्रैफिक। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ट्रैफिक ना हो।
खड़े रहो बस सिग्नल में। हो गया, हो गया, ग्रीन हो गया। क्या गाने सुनते हो तुम? ये चॉइस है तुम्हारी? ये ठीक है? प्लीज तुम रहने दो। ऑटो चला रहा है? क्या चला रहा है? अपने आप को डोमिनिक टोरेटो समझता है? डोमिनिक टोरेटो? फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं देखी? हाँ हाँ हाँ, क्या है? सुनो ना, कैन यू प्लीज स्टॉप बाय द फार्मेसी ऑन द वे? तुम पानी पियोगी? थैंक्स। जल्दी में हो क्या? नहीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। क्यों? एक्चुअली मुझे थोड़ा सा ऑफिस का काम आ गया। पति मुझे फोन करना, मैं तुरंत आ जाओ। मम्मी पापा भी नहीं और तुम भी जाओ। मैं तुम्हारे इतने पास ही तो रहता हूँ, जब भी जरूरत हो तब आ जाओ। स्माइल। अब मैं चलता हूँ। हेलो आदित्य। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग माय दिस सिचुएशन। अरे इसमें थैंक यू क्यों बोल रही हो? तुमने जो आज मुझे फील कराया ना, वो मेरे लिए बहुत मायने रखता है।
तो बता देते हैं, बहुत से लड़कियां ना इन दोनों में बहुत चीजों से गुजरती है, इमोशंस, पेन्स, क्रैम्स, मूड स्विंग्स, बहुत कुछ, और हर कोई इस बात को समझ नहीं पाता। पर जिस तरह से तुमने मुझे समझा, मेरे को पैम्पर किया, मेरी इस तरह से केयर की, सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और तुमने मुझे बहुत स्पेशल फील कराया। काश हर लड़का हर लड़की की इस प्रॉब्लम को इस तरह से ट्रीट करे ना, तो लड़कियों का पेन भी आधा हो जाए, पर ये बहुत कम हो पाता। आज मैंने तुम्हें बहुत गंदा ट्रीट किया, आई एम सॉरी, बट वो मैंने इंटेंशनली नहीं किया था। पर तुमने जिस तरह से मुझे आज समझा ना, आई एम वेरी हैप्पी, और सच बोलूं तो बहुत रिलैक्स फील कर। थैंक यू। अच्छा प्रीति, एक बात बताओ, क्या हर 28 दिन बाद तुम ऐसे ही बिहेव करती हो? और अगर इससे ज्यादा किया तो केयर नहीं करोगे? I'll try। मगर इससे स्ट्रेस और गुस्सा बढ़ गया तो फिर क्या है? बीच थेरेपी करने बीच चला जाऊंगा और क्या। अच्छा चलो, बहुत लेट हो गया है, तुम घर जाओ, मैं भी जाती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। बाय। प्रीति, वेट। लाइफ में तुम्हारा कैसा भी मूड हो, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, आई प्रॉमिस।